नमस्ते छात्रों, आज हम मुकुटधर पांडे लिखित समता की ओर यह कविता देखने जा रहे हैं। इस कविता में उन्होंने समता मतलब समानता को निर्देशित किया है। हमारे इस प्रकृति में जितने भी जीव है वह सभी एक समान है, इसकी ओर उन्होंने निर्देश किया है और यही बताने की कोशिश यहाँ पर इस कविता में उन्होंने की है। तो यहाँ पर इस प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि ने यह बताया है कि हेमंत ऋतु जो है वह बीत गया है, उसके बाद शिशिर ऋतु आता है। शिशिर ऋतु मतलब जाड़े का मौसम, ठंड का मौसम। और यह ठंड का मौसम जिस तरह से कोई राजा अपनी प्रजा को सजा देता है उसी तरह का यह ठंड का मौसम है, ऐसा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। क्योंकि इस जाड़े के मौसम में बाकी सभी लोग, अमीर लोग, यह अपने घरों में दरवाजे बंद करके हुए सो जाते हैं कंबल ओढ़कर, उन्हें ठंड नहीं लगती है। लेकिन वही रास्ते पर बाहर प्राणी है, उसके साथ साथ अभावग्रस्त जो लोग हैं, मतलब कि जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, उनके पास कंबल नहीं होते ओढ़ने के लिए, यह सभी उस ठंड में कांपते हुए सोने की कोशिश करते हैं। और इसी के कारण इस मौसम में रात के समय में ज्यादातर कुत्ते और सियार भोंकते हैं, क्योंकि यह ठंड उन्हें सहन नहीं होती है, वह बार बार रोते हैं। और आधी रात में अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और वातावरण में देखते हैं तो कोहरा छाया होता है, मतलब इस ठंड के मौसम में कोहरा चारों तरफ छाया जाता है, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसे समय में जब हम बाहर आते हैं रात के समय में और बाहर देखते हैं तो आकाश में देखते हैं तो एक डर सा लगने लगता है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार ही और शांतता ही होती है। और इसे देखकर और वातावरण में क्या होता है, इस ठंड के कारण एक पीलापन फैला हुआ होता है। इस पीलेपन के कारण ही चंद्रमा भी पीले रंग का सफेद पीला रंग धारण करते हुए सफेद दिखाई पड़ता है, ऐसा कवि कहते हैं। और इसी उसे देखकर कवि यह कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई है। तो यहाँ पर कवि ने इस जाड़े के मौसम के बारे में वर्णन किया है।